वीडियो चल रहे तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, मतलब ओमकारेश्वर वाली जो सीरीज़ हम चला रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम सबसे पहले तो एक अच्छी सी जगह ढूंढ दें जहाँ पर हम स्नान कर सकें, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पानी बहुत गहरा है और कहीं कहीं पानी बहुत शैलो वाटर है, बहुत कम गहरा है, कमर से भी नीचे का पानी है। तो इस अकॉर्डिंग हम अच्छी सी जगह ढूंढते हैं पहले नहाने के लिए, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। चलो चलो चलो, मैं भी बना रहा हूँ। ये बांध है ना, ये बांध उस साइड में बहुत पानी होगा फिर तो। ये पूरा रोड है, ये दूसरी जगह से भी जाती है, आगे जाके मिल जाती है। अच्छा, यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई, कतई जहर व्यू देखो यार। वो नाव चल रही है, उस साइड में परिक्रमा करने का रास्ता गया है, ऊपर पहाड़ है और इस साइड में है मंदिर, वो रहा मंदिर। मतलब बहुत ही अच्छी जगह पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर हम जल्दी 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 स्नान करते हैं। ये बैक साइड में डैम है जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है, उस साइड में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। अगर ये डैम खोल दिया जाएगा तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो पानी भी लाइक बह जाएगा यहाँ से, तो बहुत सारा पानी है यहाँ पर। लाइक अब हम जल्दी से नहाते हैं, फिर यहाँ से निकलना भी होगा, और ऑलमोस्ट हमें 10:30 तो बज चुके हैं, और ये पूरी मंदिर परिक्रमा करनी पड़ेगी। जो बैक साइड में ये देख रहे हो ना, ये शूज़ मेरे हाथ में क्योंकि यहाँ पर मैंने चप्पल उतार रखी, गीला गीला हो रहा है। ये जो एरिया, ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से ये पूरी प्रक्रिया। हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, चलो चलना सूरज आगे थोड़ा। सूरज वाह ठीक है, पानी में क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग? अबे फिसलन है, संभाल के ठीक है ना। छूटे हैं, अरे लेट हो रहे, चलो यहाँ से आगे, चलो आगे। ये है पानी, ये बह रहा पानी सारा। अब हमें यहाँ पर एक अच्छा सा स्थान मिल चुका है, तो चलो पहले स्नान करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। तो ये है नहाने की जगह, ये है पूरा पुल और हम नहा रहे हैं। अभी शूट करते हैं, लाइक फोटो खींचते हैं, उसके बाद में शूट करेंगे फिर दिखाएंगे। पानी में आ चुके हैं, आप पानी देख रहे हो, इससे ज़्यादा गहरा पानी यहाँ पर नहीं है। इवन मैं बैठा हूँ पानी में, और इससे ज़्यादा पत्थर यहाँ पर क्या फिसलन है जिसकी वजह से हम फिसल भी सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे क्या बैठ बैठ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फिसला तो फ़ोन का फ्रंट कैमरा जो पॉपअप कैमरा है वो भी ख़राब हो जाएगा। हम पानी में बैठे हैं, ये पानी में बैठे हैं हम, एक मिनट खींचता हूँ मैं अभी। हम पानी में बैठे हैं और ये नहाने की प्लेस है, पत्थर साफ दिख रहे हैं, आप पानी देखो कितना क्लीन है। इवन आप पत्थर देख सकते हो पानी के नीचे, पत्थर आपको सारे पत्थर मिलेंगे। एक्चुअली मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा, आपको पानी के नीचे सारे के सारे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। चलो गई ठीक है, एकदम वीडियो चालू है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा ऐसे वीडियो चालू है। ये मेरे बैक साइड में बहुत चल रही है, ये चल रही है और बहुत चल रही है।
बहुत मजा आ रहा है पानी में नहा के, बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। पत्थरों ने पैर को छील दिया, इतनी चोटें लगी हैं मैं इन पत्थरों पर, फिर भी हम नहा रहे हैं। सो चलो, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। अब यहाँ से चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पानी अभी भी यहाँ पर लोग हैं। ये You never wait for me. Even when I ran away. So finally हम नहा चुके हैं और यहाँ से निकलने का टाइम भी हो गया है। अब हमें बट मंदिर में जाना है, मंदिर में। हर हर महादेव। अब हमें मंदिर में जाना है, मंदिर के लिए अभी बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो रहा है। उसके बाद में अगर पट बंद हो गए फिर हम दर्शन भी नहीं कर पाएंगे और हमारे यहाँ आना भी कोई मतलब मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं दर्शन करने, वो भी नहीं हो पाएगा। तो हमें इधर से हो गए ज़्यादा पड़ेगा। सो मैं फ्रंट कैमरे से हमेशा प्रॉब्लम होती है कि कैमरे में देख के बोलें या स्क्रीन पे देख के बोलें, ये प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ आने के बाद में हमें पता चला है कि यहाँ पर दो ज्योतिर्लिंग है, नदी के उस पार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और नर्मदा नदी के इस पार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो फिर क्या, तो चलो पहले ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। तो ये है मेन प्रवेश द्वार, मतलब इस रास्ते पर चलकर आप दोनों ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हो, लेकिन हम पहले चल रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। सीधा सीधा रास्ता है, इस मार्केट से होते हुए हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंच रहे हैं। मार्केट बहुत खूबसूरत है और अभी तो सुबह सुबह के 10-11 बजे हैं, तो अभी धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। अब मार्केट देखो कितना खूबसूरत है, मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हर तरह की सामग्री आपको मिल जाएगी, खिलौने, पर्स, बैट, मंदिर की सामग्री मिल जाएगी और सिंदूर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, हर वो सामग्री जो आपके घर में यूज़ में आती है। तो चलो इसी रास्ते से हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। ये जो आप नीचे जाने का रास्ता देख रहे हो ना, सो ये है महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग रास्ता और ये बहुत पुराना है। दो ज्योतिर्लिंग है, एक यहाँ पर है और एक नर्मदा नदी के उस पार है। ये रास्ता जा रहा है, मैं बैक से शूट करता हूँ। मंदिर काफ़ी नीचे बना है और इस सीढ़ियों से हमें नीचे जाना पड़ रहा है और यहाँ पर सीढ़ियों पे बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब सीढ़ियों पे भी बहुत सारे लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, जहाँ पर गुड़िया टंगी हैं, खिलौने बिक रहे हैं। और इस तरह से हम इस रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि यहाँ पर सब ने अपनी तिरपाल बांध रखी है पीले कलर की। उससे क्या होता है कि मतलब बारिश का टाइम चल रहा है, यहाँ पर बारिश से बचने के लिए तिरपाल बांध रखी है। तो अभी हम आ चुके हैं खुले में, यहाँ से अब थोड़ी ही दूर बचा है मंदिर का रास्ता है। तो चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। और ये जो ऊपर का रास्ता देख रहे हो ना, ये जाता है दूसरी ज्योतिर्लिंग जाने के लिए, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो नदी के उस पार है। तो पहले तो हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं इसी रास्ते से। मंदिर ये मेन मार्केट है। अभी हम मार्केट से निकल रहे हैं जहाँ पे आपको मंदिर की सामग्री मिल जाएगी, फूल माला प्रसाद मिल जाएगा आपको और लाइक सिंदूर होता है इस टाइप की चीज़ें सारी मिल जाएंगी। अब हमने यहाँ पर जूते चप्पल उतार के, ये है ज्योतिर्लिंग। मंदिर प्रवेश ओम नमः शिवाय। सो ये है मंदिर, मेन मंदिर एक ये है और एक उधर है। सो अब मैं यहाँ से फ़ोन ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है मंदिर की, तो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो अब हमने दर्शन कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं आगे।
सो ये है अमेजिंग जगह। लाइक अगर मैं आपको, चलो चलो चलो, ये अब जो हमें सामने मंदिर दिख रहा है ना, वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। वहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो नीचे से बोट से नदी पार करके जाओ या ऊपर पुल से जाओ। तो हम ऊपर पुल से जाएंगे। अब ये था ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, अब यहाँ से हम जाएंगे कामलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर है जहाँ हमने दर्शन कर लिए, अब हम उस साइड में जाएंगे, वहाँ पर दूसरा ज्योतिर्लिंग है। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, आप जरूर आइएगा जब भी आपको टाइम मिले, बहुत अमेजिंग है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरी भी कम हो रही है और फोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से अब कंटिन्यू ज़्यादा शूट नहीं हो पाएगा इसलिए। सो मिलते हैं आगे।